हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर प्रोग्राम इसके बारे में आज बताया जाएगा और इसी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो आपको इससे पहले हम कुछ और भी परिभाषाएं बता देना चाहूँगा। जैसे पहली जो संख्या आती है वो होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। पहले इसके विषय में जानना आपको अति आवश्यक है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो दरअसल में हम जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक से शुरू होने वाली जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा गणना, गणना की वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं, जो एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के शून्य को भी सम्मिलित कर ले तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या आप इसी डिफिनेशन से रिलेटेड इसका भी डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गणना की भी सही संख्या है जो एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो आप इसमें भी सकते हो गणना की वे सभी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो आप इसी से मिलकर इसका डिफिनेशन दिए हुए हैं। जैसे गणना की वे सभी संख्याएं, गणना की वे सभी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे integers,
अब देखिए इंटीजर्स में क्या होता है कि ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूर्णांक के गुण।
ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर दो धनात्मक संख्याएं यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं और अगर असमान चिन्ह के पूर्णांक होते हैं तो आपस में घटते हैं। आगे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। समान चिन्ह की पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए आपका -1 and -2, तो ये दोनों आपका देखिए दोनों का सेम साइज है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा -3। ये फिर नेक्स्ट है कि असमान चिन्ह की पूर्णांक आपस में घट जैसे आपका एग्जाम्पल है -1 + 5। तो इसमें देखिए ये जो पूर्णांक है ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, दोनों असमान चिन्ह के इसलिए दोनों को घट जाए। तो हमेशा बड़े बच्चे छोटा ही घटेगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, और जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का चिन्ह इसमें लिखा जाएगा यानी कि ये माइनस में लिखा है। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर असमान चिन्ह की पूर्णांक है तो आपस में घटेंगे बट उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट है धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बराबर, पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। देखिए जो पहला आपका टॉपिक है उसमें पूर्णांकों का योग, समाप्त होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो
फिर नेक्स्ट क्रम विनिमय पर, क्रम विनिमय पर ये है क्लोज प्रॉपर्टीज और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी दो पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ये जो प्रॉपर्टी है तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका मतलब अगर इन दोनों का सीरियल चेंज कर दिया जाए तो इनके सम पे या इनका जो योगफल होता है वो अपरिवर्तनीय रहता है, यानी कि सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 2 + 3 और 3 + 2 तो दोनों का सम क्या है, फाइनल आएगा, पीछे नहीं जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, क्रम विनिमय पर वो कहलाती है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है हर साहचर्य फलभूत, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि यदि तीन पूर्णांक ए बी तथा सी तो ए प्लस बी इन एसोसिएशन आउट ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन एसोसिएशन, यानी कि अगर मान लीजिए पहले और दूसरी तरफ ने संख्या का एसोसिएशन लगाया है और सी को हम बाहर कर देते हैं, तो अगर बी और सी का एसोसिएशन बना करके पहले पूर्णांक में ऐड कर दे तो ये जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी ये जो योगफल होता है सेम ही है। ये क्या कहलाता है आपका साहचर्य प्रॉपर्टी। एक एसोसिएशन बना है, पहले और दूसरे का इसमें एसोसिएशन बना, इसमें दूसरे और तीसरे का एसोसिएशन बना है, तो इस तरीके से आपका ये जो अगला प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट जो है वो है आपका योग का तत्सम अवयव, योग का इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ए एक पूर्णांक, ए एक पूर्णांक हो तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए या और 0 + a इक्वल टू ए, ये आपका जो प्रॉपर्टी है ये है योगात्मक का दशमलव अवयव। ठीक है, और जो लास्ट है फिर वो है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या होता है कि यदि ए एक पूर्णांक है तो ए का जो अपोजिट होगा उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ए का अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरीके से ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस। अब अगर इन दोनों का सम माइनस ए और ए दोनों का सम अगर निकाला जाए तो उसका जो योगफल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से ए जो लास्ट प्रॉपर्टी आता है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में हम उसका अपोजिट जस्ट अपोजिट ऐड करते हैं। अगर वो धनात्मक संख्या है तो उसका ऋणात्मक, और अगर वो ऋणात्मक संख्या है तो उसका धनात्मक। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको केवल पूर्णांक
से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड रिलेशन आप पास बताए गए, और इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के साथ ही साथ इसको याद करते हैं। और कल हम पूर्णांक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दिया गया है बुक में उसको साफ कराएंगे। धन्यवाद।